ये गाड़ी रुकी है और यहाँ से अब खाना पैक होगा और वो सीधा सीधा इस गाड़ी के अंदर जाएगा। आप देख सकते हैं VIPs आते हैं सरदार जी की वैन पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्वालिटी, केवल क्वालिटी। वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप गाइस आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सरदार जी वैन वाले के आपको राजमा दिखाऊंगा, क्या मस्त राजमा होते हैं इनके। काफी लोगों ने मुझे कॉल करके बोला है कि इनका राजमा कवर कीजिए। इनका राजमा कवर करने के लिए आज मैं स्पेशल आया हूँ और देखते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा इनका राजमा का लगता है, इनके चावल और राजमा। वाह वाह वाह। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो आप देख सकते हैं ये है इनकी वैन और इस वैन के अंदर है इनका पूरा का पूरा सेटअप। सो एक कस्टमर है भैया सामने, यहाँ पे खा रहे हैं पी रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बैक साइड से ये इनकी वैन है और कितनी ज्यादा आप देख सकते हैं बढ़िया लग रही है देखने में। और ये इनके यूटेंसिल्स है, बर्तन है जिनमें सर्व करते हैं। सामने इनका प्याज वगैरह रखा हुआ है और ये देख सकते हैं आप इसमें रोटी वगैरह रखी हुई है। क्या बात है, ये अंदर से इनकी वैन का नज़ारा है। यहाँ से खाना सर्व करते हैं, ये पानी की बोतल्स रखी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये है इनके राजमा जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। अरे वाह 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 सभी, क्या बात है, क्या क्वालिटी है, देख सकते हैं आप क्या क्वालिटी है। अजीब वाह, तो आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा चला के दिखा दीजिए वीर जी, क्या बात है। और इसमें क्या है वीर जी आपका, इसमें चावल है जी, अब तो एंड है बिल्कुल। थोड़ा जरा हल्के से चावल दिखा दीजिए, एंड है बिल्कुल इसका। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं है। चावल भी देखिए आप, इलायची देखिए चावलों के अंदर, क्या बढ़िया लग रही है देखने में, क्या बात है। चावलों का साइज देख रहे हैं आप, कितना लंबा और मोटा साइज है। और ये देखिए आप चावल, मतलब क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, क्या बात है। ये सरदार जी बोल रहे हैं कि सूखी दाल है, उड़द की दाल, जिन्हें लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है देखने में। आप देख सकते हैं ये देखिए कढ़ी का पकौड़ा, क्या बात है, कितना मोटा मोटा कढ़ी का पकौड़ा है। थोड़ी कढ़ी चला के दिखा दीजिए सरदार जी हमें, क्या बात है, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। मलाई है, मलाई एकदम। सरदार जी है ही हमारे, ऐसे काफी ज्यादा पॉपुलर है और मुझे बहुत कस्टमर ने कॉल करके बोला कि इन्हें कवर करो अभिषेक भाई, इन्हें कवर करो। तो ये देख सकते हैं आप इनकी चटनी सरदार जी, किस तरीके से बनती है ये सर? टमाटर, टमाटर प्याज, टमाटर प्याज, अदरक लहसुन, अदरक लहसुन और धनिया पुदीना, धनिया पुदीना और बीच में मसाले मसाले डालते हैं हम अपने। और इनके स्पेशल मसाले होते हैं, जिस तरीके से चटनी बनती है आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत लग रही है। थोड़ा दिखा देंगे उठा के, क्या बात है। आप देख सकते हैं कैसी घर की रोटी है, बिल्कुल मुलायम मुलायम। कितने रुपए प्राइस है रोटी का? ये 5 रुपए रोटी है, 5 रुपए की, मात्र 5 रुपए की रोटी है। और देख सकते हैं आप बिल्कुल घर जैसी रोटी, क्या बात है, कितनी बढ़िया रोटी है, एकदम मुलायम मुलायम, चारों तरफ से सीखी हुई, फॉयल पेपर में पैक, क्या बात है, मजा आ जाएगा आपको। देख सकते हैं ये है इनकी प्याज, ओहो प्याज जो डलती है ना ऊपर से, राजमा के ऊपर मजा आ जाता है। आप देख सकते हैं ये इंदिरापुरम, क्या बात है, कितना बढ़िया लग रहा है सामने का नजारा। आप सामने देख रहे हैं ना, ये सरदार जी के पास आए हैं BMW, क्या बात है, BMW 633, क्या बात है। ऐसी ऐसी गाड़ियों में यहाँ पे इनका खाना जाता है। ये गाड़ी रुकी है और यहाँ से अब खाना पैक होगा और वो सीधा सीधा इस गाड़ी के अंदर जाएगा। आप देख सकते हैं VIPs आते हैं सरदार जी की वैन पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्वालिटी, केवल क्वालिटी। आप देख रहे हैं हमारे लिए स्पेशल प्लेट सरदार जी लगा के दिखा रहे हैं, हम अपने व्यूअर्स को टेस्ट करके बताएंगे कैसा इनका टेस्ट रहता है सरदार जी का। सूखी दाल डालो, थोड़ी सी सूखी दाल कह रहे हैं सरदार जी की, थोड़ी सी आप सूखी दाल टेस्ट कीजिए। भजी भजी क्या बात है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। कढ़ी पकौड़ा जी, राजमा, आपका राजमे का बहुत नाम सुना है, राजमा जी, राजमा।
राजमा आप देखिए, राजमा कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया एकदम लुक आ रहा है राजमे का, क्या बात है सरदार जी का, बहुत ही बढ़िया राजमा, जो फेमस राजमा है। आप देख सकते हैं ये हमारे सामने आ गया है राजमा, और उनके ऊपर हा हा ये डिलीशियस सरदार जी की प्याज, और चावल की तो हा हा क्या क्वालिटी है इनकी, लंबे लंबे चावल। देखिए जी वैन में लगाते हैं, हम सबको इन्हें सपोर्ट करना है, यहाँ आना है, खाना पीना है इंदिरापुरम में। चलिए अब टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा इनका टेस्ट है। तो आप देख सकते हैं ये आ गई है हमारी बाइट, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में, अभी जाएगा सीधा मेरे मुंह में। भाई वाह, पर राजमे का तो चुम्मा टेस्ट है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेस्ट, 10/10, अजी 10 से भी ऊपर नंबर, बहुत ही ज्यादा बढ़िया टेस्ट है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली रुकी है, देख रहे हैं आप ट्रैक्टर और ये ट्रॉली, ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भैया भी सरदार जी से ही खाते हैं, यहीं पे आके खाते हैं, यहीं पे आके एंजॉय करते हैं। सो 10/10 इनको रेटिंग देते हैं, रोटी भी इनकी बहुत शानदार होती है, सो आपको यहाँ पे जरूर खाना चाहिए। बड़े बड़े लोग कार से रुक के यहाँ पे खाते हैं, कार में ऑर्डर देते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स घर में यहाँ से पैक होके जाता है। सो एड्रेस पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप जरूर आइएगा, जरूर विजिट कीजिएगा और यहाँ पे जरूर खाइएगा। बेसिकली सरदार जी ने कैमरे पे आने से कर दिया है थोड़ा सा मना, थोड़ा सा उनके सामने फैमिली प्रॉब्लम है, दैट्स वाई उन्होंने कैमरे पे आने से मना किया है। सो उनका स्टोरी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे वाले लोग थे और बिजनेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, सो एकदम से एकदम सडनली प्रॉब्लम आ गया, तो दैट्स वाई उन्हें मतलब ये वैन का सेटअप करना पड़ा। इनका वैन जो है ओला और उबर में चलता था, और ओला उबर में से इन्होंने अपना ये वैन निकाला और यहाँ से अपना ये अपना खाने पीने का काम जो है इन्होंने स्टार्ट किया। सो पहले इनका अपना घर भी था यहाँ पे, सो वो घर बेच के फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो बच्चे ने अपना अलग घर बना लिया। सो अब ये दोनों मियाँ बीबी अपना अलग रेंट पे रहते हैं और इनका यही एक गुजारा है, ये वैन है, इस वैन से अपना ये बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं और यही इनका गुजारा है। और मेरा भी यही काम है कि मैं लोगों की स्टोरी को कवर करूं। आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए इन्हें, एड्रेस पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे जरूर आइए और सरदार जी का राजमा चावल खाइए और एंजॉय कीजिए। लव यू गाइस।